इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब विधानसभा के इजलास के नाल संबंधी सामने आ रही है। थोनों दस दिए कि अज भगवंत मान की सरकार का पहला इजलास जो है वह सद्या गया। दस दिए कि 17, 21, 22 नूं विधानसभा का इजलास जो है वह सद्या गया। तो अज पहला दिन है, अज पहले दिन नवे विधायकों सहु है जो वह चुकाई जाएगी। तो वड्डी खबर है, तुहानूं दस दिए कि लगातार एक्शन मोड दे विच ने नवे सीएम भगवंत मान। हालांकि जेकर गल की जाए तो कल दी उन्होंने शहीद भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटकड़ कलां दे विच सहु चुकी सी सीएम अहुदे दी। तो उस तो बाद लगातार वह कम दे विच जुटे हुए ने। तो जिथे उन्होंने कल खटकड़ कलां दे विच सौ चुकी है तो उस तो तुरंत बाद ही उन्होंने आके अपना अहुदा जो है सीएम का वह सामभ लिया है। तो लगातार काम के जुट गए हैं। दस दईए कि अज उन्हां दी सरकार का पहला इजलास जो है वह सद्या गया। अज पहला दिन है तो अज नवे विधायकों जो है वह सौ चुकाई जाएगी। हालांकि तुहानूं दस दईए कि बीते दिन ही प्रोटम स्पीकर की भी चोण जो है वह की गई है, जिस दे विच इंदरबीर सिंह निज्जर जो कि अमृतसर दखणी तो आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जो है वह लगाया गया। हालांकि जेकर गल की जाए तो जानकारी हासिल हो रही है कि सोमवार को जो है वह पक्के तौर के उत्ते स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर की चोण जो है वह की जाएगी। हालांकि लगातार चर्चावां यह भी चल रही ने कि जगराओं तो दूजी बार आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए सरबजीत कौर माणुके स्पीकर जो है पंजाब का स्पीकर बनाया जा सकता। हालांकि ये पहले महिला स्पीकर हो सकते हैं जेकर सरबजीत कौर माणुके जो ने वह स्पीकर बनते हैं। हालांकि ये भी लगातार चर्चावां चल रही ने, हो सकता है कि इंदरबीर सिंह निज्जर ही पंजाब के स्पीकर दोबारे चुने जा। फिलहाल उन्होंने जो है प्रोटम स्पीकर जो है वह लगाया गया। अज तो दस दिए कि भगवंत मान की सरकार का पहला इजलास जो है वह सद्या गया। तो अज के इजलास के दस दें कि जो नवे विधायक चुन के पहुंचे ने विधानसभा के उन्होंने सहु जो है वह चुकाई जाएगी। सवेरे 11 बजे के करीब जो किया जा रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी।